बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 17 कर लिया था। मैं आप लोगों को एक बार कैमरे पे दिखा देता हूँ। प्रश्न संग्रह 17 पिछले कालांश में हम लोगों ने किया था, ये आप देख रहे हैं, पूरा हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 18 के पहले जरा हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ, कि भाई क्या है क्या नहीं है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। 17 हमने कर लिया है और 17 के बाद अब हम लोग 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों आओ चर्चा करें, आओ चर्चा करें। निम्नलिखित विधानों की चर्चा करो, विधान सही है तो उदाहरण दो, विधान गलत है होने पर कारण बताओ। दो न्यून कोण परस्पर कोटिपूरक कोण हो सकते हैं, ठीक है, दो न्यून कोण परस्पर कोटिपूरक कोण हो सकते हैं, तो हो सकते हैं दो न्यून कोण, क्योंकि कोटिपूरक कोण का माप 90 अंश होता है, तो दो न्यून कोणों का टोटल 90 अंश होगा तो वो कोटिपूरक हो सकते हैं। दो समकोण परस्पर कोटिपूरक कोण हो सकते हैं, गलत है, क्योंकि दो समकोण का मतलब 180 अंश हो जाएगा और 180 अंश समपूरक कोण होता है, कोटिपूरक नहीं। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर कोटिपूरक कोण हो सकते हैं, नहीं, अधिक कोण 90 अंश से अधिक होता है तो ये कोटिपूरक कोण नहीं होगा। दो न्यून कोण परस्पर समपूरक कोण हो सकते हैं, गलत, न्यून कोण हमेशा 90 से कम रहता है तो वो 180 कभी नहीं हो सकता। दो समकोण परस्पर समपूरक कोण हो सकते हैं, सही है। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर समपूरक कोण हो सकते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि 180 होना चाहिए, अधिक कोण 90 अंश से अधिक होगा, न्यून कोण 90 अंश से कम होगा, दोनों को मिलाएंगे तो वह समपूरक कोण हो जाएगा। आओ समझे, ठीक है। विपरीत कोण, यहाँ पर देखो बी यहाँ है, एक इस ए की तरफ जा रहा है, एक सी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये विपरीत कोण आपस में हो सकता है क्या, देखते हैं। संलग्न आकृति में किरणों के नाम बताओ, किरण बी सी, किरण बी ए, आरंभ बिंदु का नाम बताओ, आरंभ बिंदु हो जाएगा बी। आकृति में एक में कोण का नाम लिखो, कोण हो जाएगा ए बी सी। तीन प्रश्न पूछा गया बच्चों, दो किरण बताओ, बी सी किरण, बी ए किरण, आरंभ बिंदु का नाम बताओ बी, कोण का नाम बताओ कोण ए बी सी। संलग्न आकृति दो में कोण का नाम लिखो, संलग्न आकृति दो में कोण का नाम, आकृति में आरंभ बिंदु बी वाली किरणों के नाम लिखो, बी से किरण बी सी और बी ए। आकृति एक में किरण बी सी और किरण बी ए, अधिक कोण बनता है, जबकि आकृति में बी सी, मतलब एक बात याद रखो, यह अधिक कोण है और यह एक सरल कोण है, सरल कोण का मतलब टोटल 180 अंश होना चाहिए। यह मैंने समझा, क्या समझा जरा उसको देखते हैं बच्चों, ठीक है। जिन दो किरणों का आरंभ बिंदु सामान्य हो और वे किरणें एक रेखी हो तो उन किरणों को विपरीत किरणें कहते हैं, विपरीत किरणें, समझ में आ गया, विपरीत किरणें किसे कहते हैं। प्रश्न संग्रह 18, कैमरे में एडजस्ट कर रहा हूं, प्रश्न संग्रह 18, प्रश्न संग्रह 18 में देखना है क्या बोल रहे हैं। जिन दो किरणों का, बच्चों एक मिनट, समझ में आ गया, ध्यान दोगे, जिन दो किरणों का आरंभ बिंदु सामान्य हो, जिन दो किरणों का आरंभ बिंदु क्या हो, सामान्य हो, किरणों का, जैसे दो किरण है यहां से जा रही है ओ ए, यहां से जा रहे हैं ओ बी, तो आरंभ बिंदु क्या हो गया ओ, ओ ए और ओ बी, नीचे बैठो, ओ ए और ओ बी, ठीक है, एक रेखीय हो तो उन्हें विपरीत किरण कहते हैं, एक रेखी एक रेखा में है तीन को विपरीत किरण करेंगे परस्पर, ओ ए किसकी विपरीत किरण है, ओ बी की विपरीत किरण, ठीक है। अब प्रश्न संग्रह 18 का
संलग्न आकृति में 18 हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, और संग्रह 18 देखते हैं। संग्रह 18 क्या लिखा हुआ है कैमरे में देखो, संलग्न आकृति में विपरीत किरणों के लाभ लिखो। बच्चों क्या पूछा है, विपरीत किरण पूछा है। प्रसंग्रह 18 का पूछ रहा है, विपरीत किरण पूछा है। तो किताब में हम लोग देखेंगे, आकृति दी गई है किताब में, संलग्न आकृति में विपरीत किरणों के लाभ लिखो। विपरीत किरण पूछा है तो विपरीत किरण हो जाएंगे, किरण पी एल की विपरीत किरण होगी एवं पी एम, पी एल इस तरफ जा रहा है, इसके सीध में पी एम। प्रश्न संग्रह 18 का क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर 1, किरण पी एल की विपरीत किरण पी एम, किरण पी एल की विपरीत किरण किरण पी एल, पी एल की विपरीत किरण पी एम कैसे बच्चों, देखो ध्यान से, पी एल आरंभ बिंदु पी हो और परस्पर विपरीत जा रही हो, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो पी एल पी एम, ठीक है। उसके बाद ये पहला हो गया, दूसरी किरण हो जाएगी पी एन और पी टी, पी एन और पी टी परस्पर विपरीत किरण, पी एन की विपरीत किरण, विपरीत किरण पी टी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या किरण पी एम और पी टी विपरीत किरण है, सकारण लिखो। पी एम, पी एम और पी टी, क्या किरण पी एम, किरण पी एम और पी टी ये दोनों सकारण लिखो, विपरीत किरणें हैं, किरण पी एम तथा पी टी विपरीत किरणें नहीं है, क्योंकि उन किरणों से एक रेखा नहीं बनती है, क्योंकि उन किरणों से एक रेखा नहीं बनती है, है ना। ये इधर जा रहा है, 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 तो एक रेखा नहीं बनती। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संग्रह 19, प्रश्न संग्रह 19 बच्चों, यहाँ देखो प्रश्न संग्रह 19 दिया है, नीचे दिए गए वर्णानुसार कोणों की रचना करो, कोई रचना ना होने पर कारण लिखो। पहला है संलग्न न हो ऐसे कोटिपूरक कोण, संलग्न न हो ऐसे कोटिपूरक कोण,
कोटिपूरक कोण, संलग्न न हो माने आपस में लगे न हो, लेकिन क्या हो, संलग्न न हो ऐसे कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण मतलब उनका टोटल कितना आना चाहिए, 90। है ना, तो हम लोग कोड बनाएंगे बच्चों, साठंस, ठीक है, ये हो गया साठंस, मैंने साठंस का एक कोड बनाया, 90 अंश टोटल होना चाहिए, तो दूसरा कोड कितने अंश का बनाऊंगा, दूसरा कोड कितने अंश का बनाऊंगा, देखो दूसरा कोड कितने अंश का बनाऊंगा, 30 अंश, साठ और तीस कितना हो गया, 90। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 2 में रैखिक युगल कोण जो संपूरक ना हो, रैखिक युगल कोण जो संपूरक ना हो, बच्चों रैखिक युगल कोण का माप, रेखी युगल कोण का माप 180 अंश होता है, संपूरक कोण का माप 180 अंश होता है, तो यदि वो रेखी युगल होगा तो वह संपूरक भी होगा, लेकिन संपूरक ना हो और रेखी युगल बनाओ तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों 180 के टोटल होते हैं, तो यहां आकृति नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों का माप 180 अंश होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की आकृति नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों का टोटल 180 होता है, तो यदि वो संपूरक होगा तो भी 180 होगा और रेखीय युगल होगा तो भी 180 होगा, दोनों में दो दो कोण है, ये दोनों का टोटल भी 180 होगा, ये दोनों का टोटल भी 180 होगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 19 का क्वेश्चन नंबर 3 करें, प्रश्न संग्रह 19 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न है संपूरक कोण जो रेखी युगल कोण न हो, संपूरक कोण संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, रेखीय कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यह दिया है
संपूरक कोण जो रेखी युगल कोण न हो, यहां आकृति नहीं बन पाएगी। क्योंकि संपूरक कोण नहीं, नहीं बच्चों, यहां आकृति बनेगी बनेगी, यहां आकृति बनेगी बनेगी। कैसे वो देख लेते हैं। संपूरक कोण जो रेखी युगल ना हो, यहां आकृति बनेगी बच्चों, पक्का बनेगी। क्योंकि टोटल सिर्फ 180 होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो रेखी युगल हो, जरूरी नहीं है कि वो रेखी युगल हो, सिर्फ टोटल 180 बनना चाहिए, तो यहाँ आकृति बनेगी। नहीं को मिटा देते हैं, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोग, यहाँ आकृति बनेगी। रेखी युगल नहीं है लेकिन वह संपूरक है। ये दोनों 90-90 अंश के हो गए, दोनों 90-90 अंश के हो गए, टोटल हो गया 180 अंश। ये दोनों संपूरक हो गए और रेखी युगल भी नहीं है। प्रश्न चौथा, प्रश्न चौथा, प्रश्न चौथा, रेखी युगल कोण जो संलग्न न हो। प्रश्न चौथा क्या दिया है देख रहे हैं आप लोग, रेखी युगल कोण जो संलग्न न हो, यहां आकृति नहीं बनेगी। क्योंकि यहाँ आकृति यहाँ भी बनेगी, रेखी युगल कोण जो संलग्न कोण न हो, बराबर यहाँ भी आकृति बनेगी, यहाँ आकृति बनेगी नहीं बनेगी, यहाँ आकृति नहीं बनेगी। क्योंकि कोई भी रेखी युगल कोण संलग्न होते ही है, जैसे ये रेखी युगल कोण हो गया तो ये आपस में संलग्न हो गए बच्चों, ठीक है, तो यह आकृति नहीं बनेगी। क्योंकि रेखी युगल कोण रेखीय युगल कोण संलग्न कोण होते हैं, है पांचवा, जो कोटिपूरक कोण न हो साथ ही संलग्न कोण भी न हो, जो कोटिपूरक न हो, क्वेश्चन नंबर पांचवा, जो कोटि जो कोटि पूरक कोण ना हो साथ ही संलग्न कोण भी ना हो, तो कोटि पूरक ना हो, कोटि पूरक का मतलब एक अधिक कोण हो गया,
दूसरा भी अधिक कोण हो गया, ये कोटिपूरक भी नहीं है और संलग्न भी नहीं है, दोनों अधिक कोण है, कोटिपूरक भी नहीं है और संलग्न भी नहीं है। प्रश्न पांचवा, जो कोटिपूरक नहीं हो और संलग्न भी नहीं हो। प्रश्न छठा, प्रश्न छठा, कैमरे में एडजस्ट कराओ बच्चों, ध्यान दो। प्रश्न छठा, उत्तर छठा, रेखीय युगल कोण जो कोटिपूरक कोण भी हो, रेखीय युगल कोण बराबर कितना हो गया 180 एस, जो कोटिपूर रेखीय युगल कोण, ठीक है, रेखीय युगल कोण जो कोटिपूरक भी हो, कोटिपूरक कोण 90 अंश का होता है, यह आकृति नहीं बन पाएगी क्योंकि कोई रेखीय युगल कोण रेखी युगल कोण कोटिपूरक कोण नहीं हो सकता। क्योंकि रेखी युगल कोण 180 अंश का होता है तो वो 90 अंश का हो ही ले सकता है। बच्चों हम लोगों ने दो प्रश्न संग्रह कर लिया, प्रश्न संग्रह 18 और प्रश्न संग्रह 19। बच्चों ध्यान से देखो, कैमरे में मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ, प्रश्न संग्रह 18 दो ही प्रश्न है, उस पर ध्यान दो, उसी को देखो, बाकी और मत देखो। आप विपरीत किरणों के बारे में दिया है, फिर किरण उसको आपको देखना है, फिर प्रश्न संग्रह 19 को मैं कैमरे में ले रहा हूँ, प्रश्न पहला और दूसरा उस पर ही ध्यान दो, दूसरे पे मत ध्यान दो, प्रश्न पहला और दूसरा उस पर ही ध्यान दो, दूसरे पे मत ध्यान दो। ठीक है, प्रश्न संग्रह 19 का पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा, तीसरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तीसरा और चौथा दो ही देखो, पांचवा छठा बाद में देखें। फिर बच्चों पांचवा और छठा प्रोसेस अगर 19 तक हम लोगों ने कर लिया बच्चों, उसके बाद दूसरे कालास में 20 और 21 करेंगे, इसी के साथ चार पार्ट समाप्त हो जाएगा। जैसे ही 20 और 21 हम समाप्त करेंगे, चौथा पार्ट हमारा समाप्त हो जाएगा। पढ़ते समय किताब को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, किताब सब लोग साथ में रखिए, ठीक है। अब मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो को, बाकी अब अगले कालास में मिलेंगे, तो प्रश्न संग्रह 20 और 21 करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।